शोहरत की बुलंदियों को छूना किसे अच्छा नहीं लगता। ऐसी शोहरत जो एक झटके में अवसरों के तमाम दरवाजे एक साथ खोल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया की, जिसके लिए आज केवल एक बार डांसर या मॉडल नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग वाली छात्राएं भी मारामारी कर रही हैं। आज अपने अपने क्षेत्र में करियर बना चुकी बेटियां अब मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीतकर दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने को बेताब हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि हर साल आने वाली लाखों की भीड़ में केवल कोई एक ही होता है जिसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है और बाकी सब गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। ऐसे में अगर आप उस भीड़ में शामिल हैं और लाइट कैमरा और एक्शन वाले इस ग्लैमरस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो आपको बता दें कि मिस इंडिया में सफल होने का राज भारत के सबसे पुराने ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मिस इंडिया प्रतियोगिता का गीता से क्या लेना देना है। दरअसल गीता ज्ञान और इसमें सफल होने की शर्तों को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रतियोगिता के ट्रेनिंग सेशन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिस इंडिया बनने की सबसे पहली शर्त लड़की के चेहरे का फोटोजेनिक होना जरूरी होता है। अच्छी हाइट, फिटनेस, फिगर और खूबसूरत चेहरा होने के साथ साथ ही प्लीजिंग और स्माइलिंग पर्सनालिटी का होना भी जरूरी है। आपकी हर अदा को परखा जाता है। इसके बाद ही रैंप पर उतरने के पहले कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जहाँ किसी प्रतिभागी के व्यक्तित्व और आत्मबल को खास रूप से परखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अनुकृति वास ने मिस इंडिया की प्रतियोगिता को जीत लिया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें मिस इंडिया बनाने में गीता का बड़ा योगदान रहा है। दरअसल अनुकृति के ट्रेनिंग सेशन में उनके गुरु योगी अमृतराज ने गीता के मंत्र को भी शामिल किया है। वहीं उन्होंने नर्वस हो रही प्रतिभागियों को बताया कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इससे आत्मबल मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन प्रतिभागियों के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत भी ओम शब्द से शुरू होता है, ताकि प्रतिभागी लड़कियों के मन में सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। उनका कहना था कि अगर आपके अंदर कुछ नकारात्मक चल रहा है तो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। जहां अनुकृति ने अमृत राज की सारी बातें मानी और नतीजा आपके सामने है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब आपका लक्ष्य आपके सामने होता है तो आपके सामने कई रास्ते होते हैं और मन भटकने लगता है, लेकिन सफल वही होता है जिसका ध्यान अर्जुन की तरह केवल लक्ष्य पर होता है। हमारे गीता ज्ञान का मूल आशय भी यही है। जीएसएन न्यूज के लिए दीपक पांडे की रिपोर्ट।